हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, फाइनली इस वीक का एयूली कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म, जो कि इस साल के रेवोल्यूशन पेपुरी के पहले का एयूली कंपनी का आखिरी शो था। और ये शो देखने के बाद कहना पड़ेगा कि हमें रेवोल्यूशन पेपुरी का थोड़ा फार मजा इस वीक के रैम्पेज शो पर देखने को मिला है, क्योंकि सच में इस वीक के रैम्पेज शो पर बहुत सारी चीजें हुई है। और गाइज, इस वीक का रैम्पेज शो एक बहुत ही बड़ा रैम्पेज शो था, इसीलिए इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एयूली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एयूली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए एयूली कंपनी के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज, इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत एयूली कंपनी के मेंस डिवीजन से एक ट्रिपल थ्रेट मैच से हुई, जहां पर सैमी गवेरा अपनी टीएनटी चैंपियनशिप चैलेंजर अंद्रादे एल इडोलो और डार्बी एलन के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज, ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर हमें इस मैच की शुरुआत में एक नॉर्मल ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, लेकिन एक टाइम के लिए अंद्रादे ने इस मैच के अंदर सैमी गवेरा और डार्बी एलन इन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और अकेले अंद्रादे, डार्बी एलन और सैमी गवेरा इन दोनों को ही टेकडाउन कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए सैमी गवेरा और डार्बी एलन दोनों ने एक साथ मिलकर अंद्रादे को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इस मैच में सैमी गवेरा और डार्बी एलन इनके बीच में एक तरीके से कंपटीशन लगी कि अंद्रादे को बहुत ही बुरी तरीके से कौन मारता है। जिस बीच हमें इस मैच में बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, जैसे कि कोस्ट टू कोस्ट या फिर वन ऑन टू मूव्स। और ये मैच देखते समय भी कई बार ऐसा लग रहा था कि इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के ऊपर एकदम लिजिटिमेटली अटैक कर रहे हैं। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस, इस मैच के आखिर में सैमी गवेरा ने अंद्रादे के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर सैमी गवेरा अंद्रादे को पिन करने के लिए जा रहे थे, पर डार्बी एलन ने सैमी गवेरा को रिंग के बाहर फेंक दिया और डार्बी एलन ने अंद्रादे के ऊपर अपना फिनिशर लगाया। पर इससे पहले कि डार्बी एलन अंद्रादे को पिन कर पाते, सैमी गवेरा ने डार्बी एलन को साइड में लगाकर अंद्रादे को पिन कर ये मैच जीत लिया है, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बड़ी एंडिंग थी। और फाइनली मैच जीतकर स्टिल है एयूली कंपनी के टीएनटी चैंपियन सैमी गवेरा। पर गाइस, इस मैच के आखिर में एक ट्विस्ट हुआ कि जब ये मैच खत्म होने के बाद सैमी गवेरा डार्बी एलन से हैंडशेक करने के लिए गए, तब डार्बी एलन रिंग छोड़कर चले गए, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अब सैमी गवेरा और डार्बी एलन की नहीं बन रही, पर अब रेवोल्यूशन पेपरव्यू के अंदर डार्बी एलन और सैमी गवेरा ये दोनों एक टैग टीम का पार्ट है। तो अब देखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन पेपरव्यू के अंदर ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक टैग टीम के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। पर सच में ये मैच इस वीक के रेवोल्यूशन पेपरव्यू को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जो मैच तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। पर इसके बाद हम इस वीक के रैम्पेज शो पर एलेक्स एब्राहेंडेज, पेंटा ऑस्कुरो और पाक एक प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए एलेक्स मार्वेज ने कहा कि मैं अलेगा ब्लैक कहते हैं कि हाउस ऑफ ब्लैक कभी नहीं हारता, क्योंकि हाउस ऑफ ब्लैक के पास उनका हर एक मेंबर है। और माना कि पेंटा ऑस्कुरो और पाक इनके पास अपना एक मेंबर नहीं है, पर हाउस ऑफ ब्लैक के भी तीन मेंबर है और पेंटा और पाक के पास भी तीन मेंबर है, इसीलिए क्यों ना इन सबके बीच में एक सिक्स मैन टैग टीम मैच हो जाए, जो बात यहाँ पर एलेक्स एब्राहेंडेज ने कही, जिससे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एलेक्स एब्राहेंडेज इस मैच का पार्ट होने वाले हैं। पर तभी सभी लाइट्स ऑफ हो गई और हमें मैलेगा ब्लैक का एक प्रोमो सुनने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए मैलेगा ब्लैक ने कहा कि अगर एलेक्स अपने फ्रेंड्स के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, तो मैलेगा ब्लैक हाउस ऑफ ब्लैक की ओर से एलेक्स एब्राहेंडेज का सैक्रिफाइस कलेक्ट करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर मैलेगा ब्लैक ने कही। और इसके बाद लाइट्स वापस आ गई, लेकिन सरप्राइजिंगली हाउस ऑफ ब्लैक पाक, पेंटा ऑस्कुरो और एलेक्स एब्राहेंडेज के पीछे खड़ा था। पर इससे पहले हाउस ऑफ ब्लैक इनके ऊपर अटैक करता, यहाँ पर बात करते एलेक्स एब्राहेंडेज ने कहा कि यहाँ पर एलेक्स अपनी टीम के थर्ड मेंबर के तौर पर खुद को नहीं बल्कि अपने एक फ्रेंड को लाने वाले हैं। और इसी बात है कि अगर एलेक्स रिंग छोड़कर चले गए, जिसके बाद हमें सरप्राइजिंगली इस वीक रैम्पेज शो पर फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एरिक रोवेन यानी कि अब के एरिक रेडबियर्ड का इस वीक रेवोल्यूशन पेपरव्यू पर डेब्यू देखने को मिला। और यहाँ पर आकर गुस्से में एरिक रेडबियर्ड सीधा रिंग के अंदर चले गए, जो देखकर काफी सारे सिक्योरिटीज यहाँ पर आ गए, जो कि इन्हें रोकने के लिए आए थे, लेकिन एरिक रेडबियर्ड ने सभी के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें एरिक रेडबियर्ड ने हाउस ऑफ ब्लैक के ऊपर भी अटैक कर दिया और बाकी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर एरिक रेडबियर्ड ने रिंग खाली कर दी, जो देखकर हाउस ऑफ ब्लैक काफी डरा हुआ था। पर एरिक रेडबियर्ड की अटैक से क्लियर हो चुका है कि हमें एयूली कंपनी के रेवोल्यूशन पेपरव्यू पर इन छह सुपरस्टार्स के बीच में एक सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। जिस मैच के बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको एरिक रेडबियर्ड का एयूली कंपनी रिटर्न कैसा लगा, क्योंकि इसके पहले भी हमें एरिक रेडबियर्ड एयूली कंपनी अंदर देखने को मिले हैं। पर इसके बाद हमें डैन लैम्बर्ट और स्कॉर्पियोस का एक बेस्टेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि सैमी गवेरा ने फिर एक बार अपनी टीएनटी चैंपियनशिप डिफेंड कर ली है, पर फिर एक बार स्कॉर्पियोस का या फिर इथन पेज के अगेंस्ट नहीं है। पर अब डैन लैम्बर्ट ने टोनी खान से बात कर ली है और डैन लैम्बर्ट और टोनी खान के बीच में एक डील हुई है कि अगर डैन लैम्बर्ट पेज वैनजैन को एयूली कंपनी के रेवोल्यूशन पेपरव्यू के ऊपर एयूली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मनवाते हैं, तो आगे चलकर स्कॉर्पियोस का को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए एक मैच मिलेगा, जहां पर स्कॉर्पियोस का अपने पूरे साल के अनडिफीटेड स्ट्रीक टीएनटी चैंपियनशिप के लिए ऑन द लाइन रखने वाले हैं, जो बात यहां पर डैन लैम्बर्ट ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि जब रेवोल्यूशन पेपरव्यू के बाद सैमी गवेरा और स्कॉर्पियोस का के बीच में मैच होता है, तभी मैच कितना बढ़िया मैच होता है और क्या हम इस मैच के अंदर स्कॉर्पियोस का अनडिफीटेड स्ट्रीक खत्म होती हुई दिखाई देती है या नहीं। पर इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो पर कीतली एक वन ऑन वन मैच के अंदर जेडी ड्रेक को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस, कीतली हर एक मैच की तरह ही इस मैच में भी जेडी ड्रेक के अटैक से कीतली कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और कीतली ने भी इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर डोमिनेट किया।
लेकिन जब फाइनल एक टाइम के लिए जेरी डेक ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और जेरी डेक कीथ ली ऊपर अटैक कर रहे थे, तब जेरी डेक टॉप रोप से कीथ ली ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर कीथ ली ने जेरी डेक को कैच कर लिया और जेरी डेक के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर जेरी डेक को पिन कर कीथ ली ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज शो ऊपर का एक ठीक ठाक मैच था जो कि काफी जल्दी खत्म हो गया, पर ये मैच खत्म होती विंगमैन ने आकर कीथ ली ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया जो कोई और नहीं बल्कि जेरी डेक के दोस्त थे, पर कीथ ली ने पूरी पूरी विंगमैन के ऊपर अटैक कर दिया और फाइनली सेजर बोलोनी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि सिट आउट पावर बॉम्ब भी लगाया। और जब कीथ ली यहाँ पर डिसाइडेड थे तो इसी चीज का फायदा उठाकर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स कीथ ली ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, पर इसी बीच कीथ ली ने पीटर एवलॉन को उठाकर रिंग के नीचे विंगमैन के ऊपर फेंक दिया, जहां पर कीथ ली की ताकत देख रिकी स्टार्स भी शॉक हो चुके थे और रिकी स्टार्स कीथ ली ऊपर अटैक करने के लिए जाने के बारे में दो बार सोच रहे थे। पर तभी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी भी आ गए और हमें यहाँ पर फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच के चार पार्टिसिपेंट्स के बीच में फेस ऑफ देखने को मिला है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब मैं कीथ ली और पावर ऑफ सॉप्स को एक दूसरे के खिलाफ रसल करते हुए देखने के लिए वेट नहीं कर सकता और मुझे भी देखना है कि सुपरस्टार्स के बीच में मैच कैसा होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से लास्ट वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद बैकस्टेज में जब डॉक्टर सीएम पंक का चेकअप कर रहे थे, तब गुस्से में बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक ने फिर एक बार अपने करियर के अंदर काफी बड़ी गलती कर दी है कि सीएम पंक ने एमजीएफ के ऊपर भरोसा किया, पर अब सीएम पंक को पता चल चुका है कि एमजीएफ भरोसे के लायक नहीं है और अब एमजीएफ को वही मिलने वाला है जो कि एमजीएफ के काफी दिनों से डिजायर है, यानी कैसे सीएम पंक जो कि अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत में थे और वो सीएम पंक एमजीएफ से बेटर है, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। तो देखना पड़ेगा कि एयूबी कंपनी रेवोल्यूशन पेपरी के अंदर हमें किस तरीके के सीएम पंक देखने को मिलते हैं। पर इसके बाद हमें जेट कारगिल का बेस्टेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर टोनी खान जेट कारगिल का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए मास स्टर्लिंग ने कहा कि टाइकोंटी जेट कारगिल को रेवोल्यूशन पेपरी के 48 घंटे पहले तक नहीं छू सकती, जो बात यहाँ पर मास स्टर्लिंग कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एनआईजे आ गई और यहाँ पर आकर एनआईजे ने मास स्टर्लिंग से पूछा कि अब टाइम क्या हो चुका है, यानी कि अब रेवोल्यूशन पेपरी को सिर्फ 48 आवर्स बचे थे, यानी कि टाइकोंटी जेट कारगिल को छू सकती थी। और तभी यहाँ पर आकर टाइकोंटी ने जेट कारगिल ऊपर अटैक किया और टाइकोंटी ने जेट कारगिल से कहा कि जेट कारगिल की एज ए टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप आखिरी 48 आवर्स होने वाले हैं, जिसके बाद टाइकोंटी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप लेने वाली है। जो बात है अगर टाइकोंटी यहाँ चली गई तो देखना पड़ेगा कि जब रेवोल्यूशन पेपरव्यू के अंदर इन दोनों के बीच में मैच होता है तब वो मैच कौन जीतता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर सेरेना डेब का 5 मिनट प्रोफेसर चैलेंज देखने को मिला, जहां पर हमें सेरेना डेब फिर एक बार एक लोकल टैलेंट को फेस करती हुई दिखाई दी, पर इस बार जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही वो लोकल टैलेंट रिंग के बाहर गई, यानी कि लोकल टैलेंट समझदार थी कि उन्हें मैच नहीं जीतना, उन्हें इस मैच का सिर्फ टाइम जाया करना है, इसलिए लोकल टैलेंट इस मैच की शुरुआत से सेरेना डेब से काफी दूर भाग रही थी। लेकिन एक टाइम पर सेरेना डेब ने लोकल टैलेंट को पकड़ लिया और उस लोकल टैलेंट के ऊपर लगातार 2-3 मूव्स लगाकर उसे एक फ्रंट सबमिशन चोक के अंदर पकड़ लिया, जो चोक को लोकल टैलेंट सही नहीं कर पाई और उसने टैप आउट कर दिया, यानी कि सेरेना डेब ने फिर एक बार ये मैच जीत लिया है। पर गाइस इस मैच में उस लोकल टैलेंट ने सेरेना डेब को आउटस्मार्ट कर दिया था, इसलिए गुस्से में सेरेना डेब ने मैच खत्म होने के बाद उस लोकल टैलेंट के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा दिया। पर तभी हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर हिकारू शिडा का एयूबी कंपनी रिटर्न देखने को मिला और यहाँ पर आकर हिकारू शिडा ने सेरेना डेब के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर दिया है, जहाँ पर सेरेना डेब यहाँ से भाग गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर सेरेना डेब और हिकारू शिडा के बीच में क्या होता है और हिकारू शिडा के रिटर्न के बाद हमें हिकारू शिडा का फर्स्ट मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर टोनी शिवानी बैकस्टेज में एडी किंगस्टन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि क्रिस जेरिको ने ट्राई किया है कि क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन के मन के अंदर एक डाउट पैदा करे कि एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको नहीं हरा सकते, पर एडी किंगस्टन कंफर्म क्रिस जेरिको बताने वाले हैं कि एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको को हराने वाले हैं, जो बात यहां पर एडी किंगस्टन ने कही। जिसके बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहां पर मार्क हेनरी क्रिश्चियन केज और इथन पेज का इंटरव्यू ले रहे थे और यहां पर मार्क हेनरी ने क्रिश्चियन केज और इथन पेज से पूछा कि क्या ये दोनों ही साल के रेवोल्यूशन पेपर के फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं या नहीं, और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए इथन पेज ने कहा कि लास्ट ईयर रेवोल्यूशन पेपर के अंदर एक हॉल ऑफ फेमर वर्दी सुपरस्टार के तौर पर क्रिश्चियन केज ने एवली कंपनी के अंदर अपना डेब्यू किया था, पर क्रिश्चियन केज हॉल ऑफ फेमर वर्दी सुपरस्टार नहीं है, इथन पेज हॉल ऑफ फेमर वर्दी सुपरस्टार है और ये बात इथन पेज आज प्रूव करने वाले है, जो बात यहाँ पर इथन पेज ने कही। लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज के पास लैडर मैच के अंदर कम्पीट करने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और क्रिश्चियन केज फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच जीतने वाले है, जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही। जिसके बाद फाइनली स्पीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर हमें क्रिश्चियन केज और इथन पेज का एक मैच देखने को मिला और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच भी स्पीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक ठीक ठाक मैच था, जहां पर हमें इन दोनों ही सुपरस्टार की तरफ से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एंटरटेनिंग मैच देखने को मिला है। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद जब फाइनली इथन पेज क्रिश्चियन केज के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तब क्रिश्चियन केज ने इथन पेज का फिनिशर रिवर्स कर दिया और इथन पेज के ऊपर अपना फिनिशर यानी किल स्विच लगाकर इथन पेज को पिन कर क्रिश्चियन केज ने मैच जीत लिया है, यानी क्रिश्चियन केज रेवोल्यूशन पेपरव्यू के अंदर फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। तो देखना पड़ेगा क्रिश्चियन केज की उस लैडर मैच के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर क्रिश्चियन केज के मैच जीतने के बाद यहां पर जुरासिक एक्सप्रेस आ गई, जिनके साथ क्रिश्चियन केज अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन तभी यहां पर यंग बस और कैलवारी और बॉफिश आ गई, क्योंकि इनका एवली कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच कंफर्म हो चुका है और यहां पर अगर बॉफिश और कैलवारी और यंग बस ने एवली कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स ले ली, जहां पर यंग बस के पास एक टैग टीम चैंपियनशिप थी और कैलवारी के पास एक टैग टीम चैंपियनशिप थी, जो देखकर यहां पर कैलवारी और बॉफिश और यंग बस के बीच में कहासुनी बढ़ने वाली थी। पर तभी जुरासिक एक्सप्रेस ने अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स वापस ले लिए
और जंगल बॉय ने इन दोनों ही टीम्स के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद यंग बक्स, कायल रैली और बॉब फिश ये चारों यहाँ चले गए। और इसी तरीके से इस वीक का रैंपेज शो ऑफ चला गया। जो देखा जाए तो इस वीक रैंपेज शो के आखिरी में एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट था कि किस तरीके से यंग बक्स और कायल रैली और बॉब फिश इनके बीच में एवली कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को लेकर आगे चलकर टेंशन बढ़ने वाले हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसी इस वीक रैंपेज शो ऑफ चला गया, जो शो मुझे तो बहुत पसंद आया है, और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको शो कैसा लगा। पर ऐसे ही एवली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एवली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?